तो देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इसका दूसरा भाग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, हमने एक सैंपल फॉर्म बना लिया था जिससे हम लेने वाले थे इनपुट। अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं एक डेटाबेस और उसके अंदर बनाएंगे एक टेबल। देखिए, जब आप ज़ैम्प यूज़ करते हैं उसमें आप जाएंगे MySQL पर और एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा, इसका नाम होगा localhost/phpMyAdmin। ये phpMyAdmin में पेज में आप अपना डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। कहीं आपका डेटाबेस अगर CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ नाम की फ़ाइल में, इस टाइप की फ़ाइल में है, तो वहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अधिकतर लोग जो होते हैं वो CSV से ही इंपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हम एक फ़्रेश डेटाबेस बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके एक डेटाबेस बना दिया। इसका नाम है हमारा फर्स्ट डी बी नाम का एक डेटाबेस है। और यहाँ हम बनाने वाले हैं एक टेबल। यहाँ टेबल का नाम दे देता हूँ मैं user1। कॉलम हमको चाहिए दो, क्योंकि वहाँ हमने यूज़र नेम और पासवर्ड सिर्फ दो कॉलम लिए हैं, तो हमने यहाँ पर दो कॉलम बना दिए और गो कर दिया है। आप चाहें तो GUI का यूज़ करते, आप चाहें तो आप कमांड का भी यूज़ करके, ये SQL की कमांड्स का यूज़ करके कमांड लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी GUI का यूज़ कर रहा हूँ। और हमारा जो फील्ड्स हैं, पहली जो फील्ड है वो हमारी मैंने ले ली है यूज़र नेम, इसका टाइप मैंने ले लिया है टेक्स्ट, और वैल्यू इसकी जो लेंथ है वो ले ली है 20 कैरेक्टर की। यहाँ दूसरी फील्ड में लेने वाला हूँ पासवर्ड, इसका जो टाइप है वो भी मैंने ले लिया है टेक्स्ट, और इसका जो साइज़ लिया है मैंने 10। यहाँ मैं अब इसको कर दूँगा सेव। देखिए ये सेव हो गया है। अब हमारे पास एक डेटाबेस है फर्स्ट DB नाम का, एक टेबल है user1 नाम की, और user1 नाम की टेबल में हमारे पास दो फील्ड हैं, लेकिन अभी डेटाबेस में डेटा बिल्कुल भी नहीं है। यूज़र नेम और पासवर्ड पास दो फील्ड हैं लेकिन डेटा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हमारा अभी ये एक दूसरा पार्ट वीडियो का, एक अपना इसका ट्यूटोरियल का तैयार हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग।